हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो लेक्चर क्या है हमारा आज का, अध्याय 10 हम पढ़ने वाले हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो लगभग 2 से 3 वीडियो हमने इसके दे दिए हैं पहले, जिसमें कुछ टॉपिक्स हमारे बताए जा चुके हैं। वो क्या बताए गए हैं वो हम बता देते हैं आपको। इसमें किसने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बताया था, जो कि हेनरिच हर्ट्ज ने बताया था, और उन्हें किस तरह से इसकी विवेचना की थी, किस तरह से इसकी व्याख्या की थी। फिर फिलिप लेगार्ड आ गए और भी कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, तो उन्होंने अपने अपने तरीकों से इनके बारे में बताया। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया आपको कि फिलिप लेगार्ड जो थे और हेनरिच हर्ट्ज जो थे, उन्होंने सम्मिलित रूप से एक प्रायोगिक व्यवस्था उत्पन्न की इसकी, और प्रायोगिक व्यवस्था के आधार पर इस प्रेक्षण को समझाया। किसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव को। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उन्होंने समझाया, तो उसमें एक प्रायोगिक व्यवस्था उन्होंने तैयार की। उसमें प्रायोगिक व्यवस्था में क्या किया उन्होंने कि एक निर्वातित ट्यूब ली जो कि कांच या क्वार्ट्ज की बनी हुई थी, और उस निर्वातित ट्यूब के अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया, जिसे एक को उन्होंने कैथोड रखा और दूसरे को उन्होंने एनोड रखा, यानी कि कैथोड यानी कि ऋणायन पर ऋणावेशित रखा, और एनोड को उन्होंने धनावेशित रखा। और वहाँ पर हमने वहाँ पर 3-4 प्रकार की स्थितियाँ देखी कि जब प्रकाश डाला जाता है कैथोड पर, तो उसमें क्या करा था, कैथोड पर प्रकाश डाल जाता है और कैथोड से क्या निकलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब कैथोड पर प्रकाश डाला जाता है, तो उसकी 3 स्थितियां हमने ली कि जब तीव्रता को परिवर्तित कर देते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब हम आवृत्ति को परिवर्तित कर देते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के 2-3 केस हमने वहाँ लिए, तो वो आपको हमारी पिछली वीडियो से मिल जाएंगे, और उन्हें वीडियोज को आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा क्या है, आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन। तो कार्यफलन h𝛎0 होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन है w बराबर h𝛎0 होता है, परंतु इसको भी निकाला जाता है, वो किस तरह से निकाला जाता है, और ये भी लेगार्ड की प्रायोगिक व्यवस्था से ही संबंधित है। जो फिलिप लेगार्ड ने प्रायोगिक व्यवस्था बनाई थी, उसकी प्रायोगिक व्यवस्था से ही ये संबंधित है पॉइंट हमारा। तो उसमें क्या किया था हमने, थोड़ा सा उसको हम हल्का सा यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था कि एक ट्यूब बना ली थी हमने, इस प्रकार से एक ट्यूब बना ली थी और ये कोई ट्यूब हमारी उसमें थी, जहाँ से प्रकाश कहाँ से आता था, यहाँ से प्रकाश आता था। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, एक को सी कैथोड और एक को एनोड कहा गया था, और ये दोनों नीचे पूरे सर्किट जो था इसका उससे कनेक्ट थे, पूरे सर्किट से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर सी पर प्रकाश डाला जाता है और यहाँ पर ऋणायन निकलते हैं, और ये कहाँ जाते हैं, ये एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड है आपका, ठीक है, तो एनोड की तरफ जाते हैं ये। तो इस वाले प्रयोग को हमने किसमें देखा, फिलिप लेगार्ड ने समझाया था, तो हमने पिछले वीडियो में इसको बता दिया। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है जो जिसमें हमें कार्यफलन समझना है, कार्यफलन कैसे निकलता है। तो इसमें क्या है, लेनार्ड की जो प्रायोगिक व्यवस्था थी, लेनार्ड की प्रायोगिक व्यवस्था में इलेक्ट्रोडों के स्थान पर लगने वाली जस्ते की प्लेटों की जगह, तो लेनार्ड के प्रायोगिक प्रेक्षण में जो जस्ते की प्लेट लगा रखी थी वहां पर, उस वाले प्रयोग में उन्होंने क्या लगाई थी, जस्ते की प्लेट लगाई थी, इन प्लेटों को बदल दिया गया और इन प्लेटों के स्थान पर 2 अन्य धातु ले ली गई। तो 2 अन्य धातु भी ली, उनमें से एक को एक्स उन्होंने कहा, दूसरे को उन्होंने वाई कहा, दोनों ही प्लेट जस्ते ही थे, अब उन्होंने प्लेटों को चेंज कर दिया। तो जब ये प्लेटों को चेंज कर देंगे और इस प्रयोग को दोहराएं, तो दोनों के लिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, आपको पता है कि क्या निकलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, उसके बीच में ऊर्जा के बीच में और प्रकाश की आवृत्ति के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो हमने ग्राफ खींच रखा है यहाँ पे, और ये दोनों क्या मिलते हैं ग्राफ, सरल रेखाएँ
प्राप्त होती हैं। तो पहला धातु है एक्स, माना हमने एक्स यूज किया है, ठीक है। धातु कौन सा यूज किया है, एक्स यूज किया है। तो जब एक्स हम यूज करेंगे धातु, यानी कि सी की जगह मान लो कि हमने एक्स यूज कर लिया, तो सी की जब हम धातु एक्स यूज करेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलेगा, किस किस के बीच में, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बीच में। तो ग्राफ कैसा मिला, सरल रेखा मिली है, जो कि सरल रेखा एक्स अक्ष को, यानी कि इस वाली अक्ष को, सॉरी, जो सरल रेखा किसको, आपतित प्रकाश वाली अक्ष को, आपतित प्रकाश की आवृत्ति वाली अक्ष को न्यू जीरो वन पर काटती है। और न्यू जीरो क्या है, यहाँ पे दहली आवृत्ति, क्या है, दहली आवृत्ति। यदि प्रकाश की आवृत्ति इससे कम होगी न्यू जीरो वन, न्यू जीरो से, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, किस धातु के लिए, एक्स धातु के लिए। तो और ये इस वाली अक्ष को, यानी कि गतिज ऊर्जा वाली अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, बी वन पर काटती है, यानी कि इस बिंदु पर। और ये कितनी दूरी है, ये माइनस के बी वन, ये माइनस के बी वन, यानी कि इस अक्ष पर, ये ईके वाले अक्ष पर, ये माइनस बी वन का अंतखंड काटती है। जब इसी प्रयोग को फिर वाई के लिए दोहराया जाता है, किसके लिए, वाई के लिए, यानी कि अब कैथोड की जगह क्या ले लिया, वाई ले लिया हमने, धातु कौन सी ले ली, वाई ले ली। तब इस स्थिति में ये दोबारा भी सरल रेखा ही प्राप्त होती है, जो ग्राफ इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा, आवृत्ति के बीच में और अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच में, तो वो ग्राफ भी हमें सरल रेखा ही प्राप्त होता है। और ये जो होती हैं आपस में दोनों रेखाएं, ये समांतर होती हैं, क्या होती हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। और ये इस वाली अक्ष पर कितना अंतखंड काटती है, माइनस का बी टू अंतखंड काटती है। अब पिछला जो प्रयोग था हमारा, लेनार्ड के परीक्षण जो था हमारा पिछला, जिसमें उसने प्रयोग व्यवस्था के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को हमने बताया उसमें, तो जिसमें एक चित्र भी था और साथ में हमने एक इसी प्रकार का एक क्या खींचा था, ग्राफ भी खींचा था, जिसमें यहाँ पर कैथोड को जस्ते की प्लेट लेकर रखा गया था। तब उस स्थिति में क्या हुआ था कि जो हमें ग्राफ मिला था उसकी हमने एक समीकरण निकाली थी, क्या निकाली थी वो समीकरण, हमने समीकरण निकाली थी, समीकरण थी हमारी ई के बराबर ए न्यू माइनस का बी, ये हमने एक समीकरण निकाली थी। और ये समीकरण कैसे आई थी, ये समीकरण ऐसा आई थी कि ये आपका क्या है, ई के, तो ई के यहाँ पे है समीकरण में, ए क्या है, ए है आपका, ये मान लीजिए यदि मैं इस पे एक इस प्रकार से यहाँ लंब डाल दूँ और एक लंब यहाँ से यहाँ तक डाल दूँ, तो ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री कोण पर। तो इस इसका ढलान जो होगा, यानी कि इसका जो ढलान होगा, ये इसको हमने ए कह दिया, क्या कह दिया, ढलान को हमने क्या कहा था, ए कह दिया ढलान को। तो ये ढलान होता है, ये इस जो आपकी रेखा, इस रेखा का ढलान है ये। और न्यू क्या है, आपकी आवृत्ति, आवृत्ति क्या है, न्यू, और माइनस का बी, यानी कि जो अंतखंड काट रही है, माइनस का बी है ये। तो इस वाली समीकरण को हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो हम क्या करेंगे, अब आगे समझते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि धातु एक्स और वाई के लिए दहली आवर्ती न्यू जीरो जो है वो भिन्न है। तो आप देख सकते हो, जब हमने एक्स प्रयोग किया धातु, तो आवर्ति कितनी, दहली आवर्ती न्यू जीरो, और जब दूसरा प्रयोग किया तो ये क्या है, आवर्ती न्यू जीरो, ये टू है न्यू जीरो वन और न्यू जीरो टू, और जो अंतखंड काटती है वो कितना काटती है, बी वन अंतखंड और दूसरा बी टू अंतखंड काटती है। तो हमारी आवर्ति और B के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हमें मिलते हैं X और Y को प्रयोग करने पर। और ग्राफ का ढलान क्या है, ग्राफ का ढलान A ही है, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर हैं। तो यदि इसका ढलान A होगा तो इसका ढलान भी A ही होगा, इसका ढलान भी क्या होगा, A ही होगा। तो दोनों का ढलान क्या समान है, और जो कि एक सार्वत्रिक नियतांक हम मान सकते हैं, सार्वत्रिक नियतांक का मतलब यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट, और जिसे हमने क्या मान लिया, प्लांक कांस्टेंट मान लिया, प्लांक का नियतांक मान लिया। यानी कि चाहे पदार्थ आप बदल दो, कैथोड की जगह हमने क्या क्या लगा दिया, चाहे हमने एक्स धातु लगा दी, चाहे धातु वाई लगा दी, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में हमारा जो नियतांक है, ए जो है ढलान, वो नहीं बदलती, वो समान रहती है। और जब ये समान रहती है तो इसको हम प्लांक नियतांक कहते हैं। और ये धातुओं के बदलने पर भी
परिवर्तित नहीं होती, इसका मतलब ये इस पर निर्भर ही नहीं करती, ये ढलान जो है वो इस पर निर्भर ही नहीं करता। तो इसलिए इसे क्या मान लिया हमने, प्लैंक नेतांग, जो कैथोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और इस ढलान को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए की जगह हम क्या रख देंगे, अब एच रख देंगे, यानी कि जो ए है हमारा इसकी जगह हम एच रख देंगे। जो ये ग्राफ है इससे हमें क्या पता चल रहा है, ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जब न्यू न्यू जीरो के बराबर है, देखो आप ये आवर्ती की अक्ष है, तो न्यू है आवर्ती की अक्ष, क्या है न्यू है, तो न्यू जब न्यू जीरो के बराबर है, यहाँ पे आ जाओ ये न्यू जीरो के बराबर है, तब इस स्थिति में यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, वह है शून्य है, क्योंकि शून्य कहाँ है, ये यहाँ पर शून्य है, सामने देखो शून्य दिखाई दे रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। और जब ये न्यू जीरो टू दूसरे आपके धातु के लिए, तो उसके लिए भी शून्य है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि जब न्यू बराबर न्यू जीरो है तब गतिज ऊर्जा शून्य है। तो इस समीकरण में रख दो, तो ई वाई के बराबर ए न्यू माइनस बी से इसको हमने जीरो रख दिया और न्यू की जगह न्यू जीरो रख दिया, यानी कि कोई भी धातु हो उसके लिए न्यू जीरो दहली आवर्ती, और बी इधर चला गया तो बी बराबर ए न्यू जीरो। तो इस प्रकार से हमारा एक संबंध आ गया, ये संबंध और अभी नीचे खुलकर आएगा किस प्रकार से वो देखते हैं। न्यू जीरो का है कैथोड के पदार्थ की दहली आवर्ती, ठीक है, दहली आवर्ती में बताइए, चल नहीं रहा हूँ आपको, दहली आवर्ती है ये, तो दहली आवर्ती न्यू जीरो आवृत्ति का वह न्यूनतम मान है, दहली आवृत्ति न्यू जीरो आवृत्ति का वह न्यूनतम मान है जो कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकता है, यानी कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जब तक दहली आवृत्ति नहीं होगी, आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति जितना नहीं होगा, तब तक प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे यहाँ सर यहाँ से, और जब जैसे ही वह न्यू बराबर न्यू जीरो होगा, यानी कि आवृत्ति जो है प्रकाश की, जो प्रकाश पड़ रहा है यहाँ से, इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, न्यू जीरो हो जाएगी इसकी आवृत्ति, तो यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही दहली आवृत्ति की परिभाषा हो जाती है कि दहली आवृत्ति न्यू जीरो आवृत्ति का वह न्यूनतम मान है जो कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकता है, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकता है। तो ये इस तरह से क्या हो गई, इसकी ये परिभाषा हो गई दहली आवृत्ति की। तो दहली आवृत्ति की परिभाषा यहाँ से भी याद कर सकते हो। तो दहली आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जो कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकता है, या जिससे कम आवर्ती होने पर, दहली आवर्ति से कम आवर्ती होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का निकलना संभव नहीं है, ठीक है। और बी क्या है यहाँ पे, अब आती है बी की बात। तो बी कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये कहाँ काट रहा है, बी पर काट रहा है। तो जब तक ये बी नहीं होगा, इतनी ऊर्जा नहीं होगी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, तब तक ये यहाँ से उत्सर्जित ही नहीं होंगे, यानी कि इन्हें उत्सर्जित होने के लिए कम से कम इतनी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ऊर्जा अक्ष है। ऊर्जा अक्ष पे कितनी ऊर्जा चाहिए ना, माइनस बी चाहिए। तो माइनस बी जब तक ऊर्जा इनकी नहीं होगी, तब तक कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो बी कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, कम से कम ऊर्जा बी चाहिए। तो बी नहीं होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इसे डब्ल्यू से हम प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बी की जगह हम क्या रख देंगे, बी की जगह हम डब्ल्यू रख देंगे और एच की जगह ए रख देंगे। तो इस सूत्र में रख दो, बी की जगह क्या रख दिया हमने, डब्ल्यू, और ए की जगह क्या रख दिया, H, तो W बराबर H न्यू जीरो। और ये सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे, अंगिक प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, उनमें इसका प्रयोग होगा। तो W बराबर H न्यू जीरो, ये हमें वहाँ रखकर निकाला जाएगा। इसके बाद वैसे भी आइंस्टीन की समीकरण हम पढ़ेंगे, तो आइंस्टीन के समीकरण में भी इसका प्रयोग होगा, वहाँ भी रखा जाएगा ये, ठीक है। तो इसको बड़ी बात याद कर लो, याद करके याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग अंगिक प्रश्न में होने वाला है। अब ये क्या कहते हैं, ये तो कार्यफलन निकल गया, तो क्या है, कार्यफलन, न्यूनतम ऊर्जा को प्रदर्शित, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। तो बी कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, और इसी न्यूनतम ऊर्जा को, जो बी है ये, इसी को हम कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन हम कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के कार्यफलन भिन्न भिन्न होते हैं। यदि पदार्थ अलग होंगे, यदि ये पदार्थ अलग हो जाते हैं, ये पदार्थ ये पदार्थ, तो कार्यफलन भी अलग हो जाता है, यानी इसके लिए कार्यफलन कुछ और होगा, इसके लिए कार्यफलन कुछ और होगा, उनकी दहली आवृत्ति से भिन्न होती है। तो क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न पदार्थों के कार्यफलन भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी दहली आवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है, और जब कार्यफलन दोनों के अलग अलग होंगे तो दहली आवृत्ति भी भिन्न भिन्न होगी, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने कार्यफलन निकाला। तो कार्यफलन यदि वह निकलवा लेते हैं, ये कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन को जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति अधिकतम गतिज ऊर्जा और आपतित प्रकाश की तीव्र आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचकर कार्यफलन निकालिए या दहली आवृत्ति निकालिए। तो दहली आवृत्ति का या कार्यफलन का सूत्र निकालिए, तो आप इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे और ये करके निकल जाएगा आपका। अब हम देखते हैं दहली तरंग दैर्ध्य। तो दहली तरंग दैर्ध्य यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता गया है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य यानी कि जो आपतित प्रकाश प्लेट पर डाला जा रहा है उसकी अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, यानी कि तरंग दैर्ध्य का ऐसा मान यानी कि उतनी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए यदि धातु के ऊपर उस प्रकाश को डाल दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, दहली तरंग दैर्ध्य हम बोलते हैं। यानी कि उतनी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जिससे क्या निकल जाए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल जाए यदि उसे धातु पर डाल दिया जाए तो, ठीक है, तो उसे दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसी प्रकार से आवृत्ति के बारे में भी कहा जाता है कि उतनी आवृत्ति का प्रकाश जिससे कि वो धातु पर प्रकाश को डालने से क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उसे हम दहली आवृत्ति कह रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से दहली तरंग दैर्ध्य भी होता है। दहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं और कार्यफलन हमने क्या पढ़ा है, कार्यफलन हमने अभी टॉपिक में पढ़ा है कि डब्ल्यू बराबर एच न्यू जीरो। न्यू क्या, जीरो क्या है, दहली आवृत्ति, और दहली आवृत्ति क्या होती है, दहली आवृत्ति होती है हमारा न्यू जीरो बराबर सी बटे लैम्डा जीरो। यानी कि दहली आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। तो न्यू जीरो बराबर सी बटे लैम्डा जीरो हमने यहां रख दिया, तो एच सी बटे लैम्डा जीरो ये आपका एक सूत्र बन गया है। इस सूत्र पर आधारित हम अभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो आंगिक प्रश्न है वो देखेंगे इस सूत्र पर आधारित। तो एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक नियतांक, सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इस प्रकार से इस सूत्र में हम जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब आती है बात, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं, तो इनके ऊपर कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो वो क्या है वो देखते हैं। तो हमने एक निरोधी विभव पढ़ा था, तो निरोधी विभव क्या था, मैंने आपको बताया था जो ये गैस ट्यूब बनाई थी जो कि लेनार्ड के परीक्षण में बनी थी, तो उसमें हमने क्या दिखाया था, एक था हमारा कैथोड और एक था एनोड। तो एनोड को जब ऋण विभव दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एनोड को ऋण विभव देते हैं, तो ऋण विभव को यदि हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का निकलना रुक जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो सी से निकल रहे हैं यानी कैथोड से निकल रहे हैं उनका निकलना रुक जाता है, और उसके रुकने से क्या होगा, उसके रुकने से जो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा है वो भी रुक जाती है। क्या हो जाती है, वो भी रुक जाती है। तो उस ऋण विभव को जिस पर, जिसके उस निश्चित मान पर क्या हो जाती है, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसे हम कहते हैं निरोधी विभव। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और ये आप वहां जाके देख सकते हैं। तो निरोधी विभव को वी जीरो से बताते हैं, किसे बताते हैं, वी जीरो। एक चीज में आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, ये वी जीरो है वी फोर वैल्यू या वी फोर वैन, और ये आपका न्यू है, न्यू, ये न्यू जीरो और ये वी जीरो, ये आवृत्ति है और ये विभव है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो निरोधी विभव वी जीरो और आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, वी जीरो और न्यू के बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ग्राफ खींच दिया हमने। तो हमने निरोधी विभव को कहाँ लिया, इस लाइन पर y अक्ष की दिशा में, और ये x अक्ष की दिशा में हमने ली आवृत्ति, और जब इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये भी एक एक सरल रेखा ही आता है जो कि निरोधी विभव वाली अक्ष को कहाँ काटता है, यहाँ पर काटता है, और ये हमारा कार्यफलन होता है। ये जो अंतखंड कटा है वो कितना होता है, कार्यफलन। आप कहेंगे कि सर पिछले वाले ग्राफ में तो ये b दिखाया था, वहाँ पर b इसलिए दिखाया था क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये आपका निरोधी विभव नहीं था, यहाँ पर गति जुड़ जाती प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, तो वो दूसरा आपका ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है, ये निरोधी विभव के बीच में। तो यहाँ पर जो बी अंतखंड है वो डब्ल्यू जीरो के बराबर होता है क्योंकि वो भी तो कार्यफलन था वहाँ पे, तो ये भी कार्यफलन ही है, तो कार्यफलन को डब्ल्यू जीरो यहाँ पर लिख दिया गया। तो न्यू जीरो दहली आवृत्ति हो गई, और ये जो ढलान बैठता है, तो ढलान हमने क्या दिखाया था, ए दिखाया था आपको, तो ए की जगह हम एच बटे न्यू लेते हैं, एच बटे ई लेते हैं, और a का मान जो हमने बताया था, क्या बताया था उस वाले में, a बराबर h बताया था आपको।
वो कौन सा ग्राफ था, वो आवृत्ति और प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा ईके के बीच में ग्राफ था, ये निरोधी विभव और न्यू के बीच में ग्राफ है। तो वहां पर यहाँ पर ढलान क्या था, एच था, यहाँ पर एच बाई ई हो गया, वहां पर अंतखंड था बी, यहाँ पर डब्ल्यू जीरो अंतखंड हो गया। तो इस प्रकार से ग्राफ का ढलान एच बटे ई के बराबर होता है और इसके द्वारा जो काटा के अंतखंड है ये डब्ल्यू बाई ई होता है, क्या होता है डब्ल्यू बाई ई हो जाता है यहाँ पर। तो डब्ल्यू बाई ई लिखो इसे, अब क्या लिखोगे अब डब्ल्यू बाई ई, तो डब्ल्यू बाई ई के बराबर होता है ये, ठीक है। अंतखंड कितना होता है डब्ल्यू बटे ई। एच क्या है यहाँ पे प्लांक नियतांक बोलते हैं और ई को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ जाता है कि निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच एक ग्राफ खींचिए, ठीक है, ग्राफ खींचिए और उस पर क्या दिखाइए ढलान और क्या दिखाइए अंतखंड, जो रेखा जो उसमें आई ग्राफ जो अंतखंड काटता है उसको प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ये करके आना है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ये कई बार मैंने देखे हैं एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना आप। आती है बात दो अन्य पॉइंट्स की, दो अन्य बिंदु हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में इनको पूछ लिया जाता है। क्या पूछेंगे आपको, चार दे देंगे ये जो आपके कार्यफलन जो है, ये कार्यफलन है आपके www, परंतु ये जो आप देख रहे हो CGM के लिए CS लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है पोटेशियम के लिए, पोटेशियम का जो आपका उसको प्रदर्शित करते हैं पोटेशियम को, वो के से प्रदर्शित करते हैं पोटेशियम को, Na यानी कि सोडियम, इसे सोडियम को प्रदर्शित करते हैं Na से, और Li मीन्स लिथियम, तो लिथियम ये सारी क्या है धातुएं हैं ये। तो इन सारी धातुओं के लिए जब इन धातुओं को कैथोड की जगह रख देते हैं, पहले इसे रख दिया कैथोड की जगह, इसे रख दिया, इसे रख दिया, इसे रख दिया, तो ये सारे जो है कैथोड की जगह पर रखे जाते हैं, जिनसे क्या निकलेगा, जिनसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जस्ते की जगह इनको रख रख कर हम प्रयोग ये दोहराते रहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब ये सीजियम को रखकर आप, जब सीजियम को रखकर आप क्या करोगे प्रयोग करोगे तो उसका कार्यफलन क्या आएगा, बहुत कम आएगा, क्या आएगा बहुत कम आएगा। जब सीजियम को रखोगे तो कार्यफलन क्या आएगा बहुत कम, सीजियम की जगह आपने क्या रख दिया पोटेशियम को रख दिया, तो कार्यफलन अधिक हो गया, किससे अधिक हो गया सीजियम से अधिक हो गया, यानी सीजियम को रखा था तो कार्यफलन सबसे कम था, जब आपने पोटेशियम रखा तो उससे ज्यादा आ गया। पोटेशियम की जगह आपने सोडियम रख दिया तो सोडियम से और भी अधिक आ गया, और लिथियम रखने से ये सबसे अधिक आ गया। इसका मतलब आपसे कहा जाएगा कि सीजियम पोटेशियम और सोडियम और लिथियम इन चारों के कार्यफलन आपको कहे जाएंगे, ये दिखाए जाएंगे और कहे जाएंगे कि इन चारों कार्यफलनों को उनके क्रम में लगाइए, किसके क्रम में लगाइए उनके बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए। तो आपको पता है कि जब WCS का यानी CGM का कार्यफलन सबसे कम था तो ये पहले आना चाहिए घटते क्रम, ये बढ़ते क्रम में, क्योंकि ये सबसे कम ये बढ़ गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया तो बढ़ता क्रम है, और घटते क्रम में क्या होगा ये घटता जो क्रम होगा उसमें WLI क्या गया WLI ये सबसे पहले आ जाएगा। और साइन कैसा बन जाएगा तो आप इस तरह से इसे बना दोगे, फिर WLI को पहले लिया, WNA को बाद में लिया, फिर उस ये चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा, तो WK बाद में, फिर WCS इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये बढ़ता क्रम हो गया, बढ़ता क्रम है ये और ये घटता क्रम है। तो इस प्रकार से जब चारों ये आपको दे देंगे एग्जाम में तो इनका बढ़ता और घटता क्रम आपको वहाँ पे बता कर आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इन्हीं जो मैंने आपको बताया इनमें से यही धातुएं लगभग लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम रुबीडियम ये जैसी क्षार धातुएं दृश्य प्रकाश के लिए, इन कैथोड पे क्या डाला जा रहा था दृश्य प्रकाश, प्रकाश तो डाल रहे थे तो वो दृश्य प्रकाश के लिए क्या होती हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, किसके लिए दृश्य प्रकाश के लिए। जब आप इन वाली धातुओं को लगाओगे कैथोड की जगह पर तब आपको दृश्य प्रकाश डालना पड़ेगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है उसको आपको डालना पड़ेगा। और यदि आप इन जो है कैथोड की जगह जस्ता लेते हो कैडमियम लेते हो और मैग्नीशियम लेते हो तब आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखने के लिए आपको पराबैंगनी प्रकाश लेना पड़ेगा। पराबैंगनी प्रकाश यदि आप नहीं लोगे तो प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई नहीं देगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये भी एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि यदि हम कैथोड की जगह पर कैडमियम का प्रयोग करें
तो और प्रकाश और दृश्य प्रकाश उस पर डाला जाए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है अथवा नहीं, तो उस पर आएगा नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि ये केवल कब उत्पन्न करेगा कैडमियम, जब इस पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाएगा। इसी प्रकार से अन्य जो आपके सोडियम चाहे पोटेशियम चाहे फिर सोडियम लिथियम इनके लिए दिया हो तो इनके लिए भी ऐसे ही होता है। ठीक है, क्लियर है। अंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स, तो तीन अंकिक प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको अभी हम सोल्व करेंगे वन बाई वन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है इसने किसी धातु पृष्ठ के लिए, कोई धातु पृष्ठ दिया हुआ जैसे कि जस्ता के लिए दहली आवृत्ति इन्होंने दी हुई है 10^15 हर्ट्ज, यानी कि इन्होंने क्या दे दिया, ये न्यू जीरो दे दिया। दहली आवृत्ति क्या होती है, न्यू जीरो। इसके प्रकाश विद्युत फलन कार्यफलन का मान ज्ञात कीजिए, तो कार्यफलन क्या होता है हमारा, कार्यफलन हमने क्या निकाला था, डब्ल्यू, डब्ल्यू को कार्यफलन कहते हैं, तो कार्यफलन का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर काय में दीजिए, जूल में दीजिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दीजिए, किस किस में दीजिए, जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तर देना हमें। तो करते हैं हल, पहला क्वेश्चन दहली आवृत्ति न्यू जीरो 10^15 हर्ट्ज, हर्ट्ज को हम एच जेड भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, मतलब ये इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो हर्ट्ज भी, एच जेड। कार्यफलन निकालना है, तो कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन W बराबर एच न्यू जीरो, एच न्यू जीरो कार्यफलन होता है, W बराबर एच न्यू जीरो। एच क्या है, प्लांक नेतांक, और प्लांक नेतांक का जो मान होता है वो स्टैंडर्ड मान होता है, इसे रट लेना। ठीक है, क्या रट लेना, 6.6 × 10^-34, जो कि यहां भी लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, जूल सेकेंड, कितना जूल और सेकेंड। ठीक, तो जूल सेकंड 6×10^-6.6 × 10^-34 जूल सेकंड, कई बार ये क्वेश्चन में दे देता है और कई बार नहीं देता, जब ये नहीं देगा तो अपने पास से लगा के आना है। ठीक है, तो ये लिख दोगे, इसे मैं फिलहाल यहाँ से यूनिट को हटा रहा हूँ यहाँ से, और गुणा में क्या डाल रहा हूँ, न्यू जीरो, तो न्यू जीरो दिया हुआ 10^15, और जब इसे आप गुणा करोगे तो इसमें घाते कटेंगी, तो ये 6.6 × 10^-34 और 15 घाते इसमें जुड़ जाएंगी, ये माइनस की घाते प्लस की घाते, कितनी घाते बचेंगी, 6.6 × 10^-19 बचेगा, और यहाँ पर लिख दो आप जूल, ये जूल में आ गई। इन्होंने कहा था जूल में तो बताओ ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसे हमें बताना है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6×10^-19 जूल होता है, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10^-19 जूल, और हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है इसे। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह बराबर 6.6×10^-19 जूल से मुझे ये बनाना है, तो मैं इसे भाग कर दूंगा इतने से, 1.6×10^-19 ये भाग कर दिया, और ये यहाँ पर ई भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और जब आप इसे इसे भाग करोगे तो इसे भाग करने में क्या आएगा, दशमलव से दशमलव कट गई आपकी, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो 33/8, तो ये लगभग आता है 4 point, ये लगभग आएगा 8 × 3 = 24, ये 8 × 3 = 32, 4.125 लगभग आ जाएगा, ये देख लेना आप कैलकुलेट करके, तो 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा कार्यफलन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है, उसके फोटोन की ऊर्जा निकालिए, तरंग दैर्ध्य का फोटोन है, फोटोन ये भी प्रकाश ही होता है, प्रकाश ही होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोटोन बोलते हैं इनको। तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटोन की तरंग ऊर्जा की गणना कीजिए। तो 5000 एंगस्ट्रॉम क्या है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, एच दे दिया, सी दे दिया, क्या निकालना है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। तो हल दो करते हैं हम, तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर SC/λ, ये भी हमने सूत्र भी निकाला था पीछे का, आप रिवाइज रिवाइंड करके देख लेना, ये आ जाएगा सूत्र आपका, ये सूत्र भी हमने निकाला था अभी। तो SC/λ, H क्या है, 6.6×10^-34 ये दिया हुआ है H, ठीक है। C कितना दिया हुआ, 3×10^8, प्रकाश की चाल है ये, प्रकाश का वेग कह सकते हो आप इसे,
मीटर प्रति सेकंड होता है, और लैम्डा कितना है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दो, किसे बदल दो मीटर में, तो 5000 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। ठीक है, इसको हल करोगे तो तीन घाते तो ये वाली है, एक में हटा देता हूँ तो 10 और आ जाएगा नीचे, तो 66 बचा यहाँ से, तो 66 गुणा 10 8, ये तीन पहले ले लो, 66 गुणा 3 सारी 10 की घाते मिला दो, नीचे के वाली भी और ऊपर वाले भी, 10 की घात माइनस के 34 ये वाली, ये 8 घाते हैं प्लस की, ये जोड़ दी मैंने इसमें घात में, ठीक है, ये माइनस के 10 घात है, ये ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगी प्लस की 10 घात बन जाएंगी, और एक 10 की पावर एक ये है और 10 की पावर 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं 10 की पावर, तो कितना होगा 10 की पावर 4, जब ऊपर जाएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस के 4, तो ये सारी घाते प्लस और माइनस हो गई और नीचे बटे में आ गया 5। ठीक है, इसे आप कर लो, तो इसे मैं फिलहाल ऐसे रखता हूँ, गुणा कितनी हो गई 8 और 10, 8 और 10 हो गया 18, और ये 34 और 4 आपकी 38 माइनस के 38 और 18 0 2 20, ये आ गई 10 की पावर माइनस के 20। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 20, और जब इसे आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा लगभग, इसे जब भाग करोगे आप 39.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 20 और जूल आ जाएगा आपका, अब भाग करने कर लेना इसे, गुणा भाग कर लेना इसका, तो ये 39.6 आ जाएगा, इनकी गुणा करके 5 से भाग कर देना। परंतु दशमलव कभी भी जब भी लगाई जाती है वो एक संख्या के बाद लगाई जाती है, मतलब बाईं तरफ से एक संख्या के बाद लगाई जाती है, यानी दशमलव हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 10 से भाग कर दो बटे 10, जब 10 से भाग करोगे तो 10 से गुणा भी करोगे, जब 10 से गुणा कर दोगे तो इसमें एक घात माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 19 बचेगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये जब भाग करोगे तो कितना आ गया 3.96 और 10 की पावर माइनस के 19 जूल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हल हो गया। तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं, ये कह रहा है किसी धातु के लिए उससे फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऋणात्मक विभव 20 वोल्ट है। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि यदि आपको प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को रोकना है तो आप एनोड को ऋणात्मक विभव देना स्टार्ट कर दो, ऋणात्मक विभव देना चालू कर दो, तो ऋणात्मक विभव जब आप उसे दोगे, क्या दोगे ऋणात्मक विभव आप उसे दोगे, तो ऋणात्मक विभव देने का असर क्या होगा कि वो कैथोड से आने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि उन्हें रोकने के साथ साथ उन्हें वापस धकेल देगा, पीछे की तरफ वापस कर देगा, और इससे क्या होगा कि धारा बहनी रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है उत्सर्जन को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो है 20 वोल्ट है, तो ये क्या दे दिया निरोधी विभव दे दिया, तो इसे ही निरोधी विभव कहते हैं, तो निरोधी विभव दे दिया तो क्या दे दिया ये V0 दे दिया। ठीक है, ये क्या दे दिया V0 दे दिया आपको, और इससे उत्सर्जन होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा निकालनी है, तो जो इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा और वो इसको पार कर देगा तो उसकी अधिकतम ऊर्जा चाहिए हमें, इससे उत्सर्जन होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा की गणना कीजिए, वो भी जूल में कीजिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। तो इसे करने के लिए हमें जगह की आवश्यकता है, जगह के लिए इसे मैं रब कर देता हूँ, करो, निरोधी विभव दे रखा है, निरोधी विभव V0 बराबर कितना 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट निरोधी विभव आपके पास है, देख लो ध्यान से, ये इन्होंने निरोधी विभव यहाँ बोला नहीं है, परंतु आपको समझना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉनों को रोक रहे हो आप, उत्सर्जन को रोकना चाह रहे हो, तो अवश्य ऋणात्मक विभव है, तो ऋणात्मक विभव जो होता है वो निरोधी विभव होता है। ठीक है, तो 20 वोल्ट हमें ऊर्जा चाहिए, अधिकतम ऊर्जा, तो अधिकतम ऊर्जा क्या होगी Ek, अधिकतम ऊर्जा किसकी इलेक्ट्रॉनों की, अधिकतम ऊर्जा, तो अधिकतम ऊर्जा को हम Ek से बताया था हमने वहाँ पे, Ek बराबर क्या बताया था मैंने, Ek बराबर EV0, इसके बराबर होता है, ये सूत्र बताया था मैंने आपको, रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, और जिन बच्चों ने ना देखे हो अब तक वीडियो पुराने वाली, इससे पहले की वीडियो ना देखी हो आज से पहले की, तो वो ज़रूर देख लें, मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें काम आएंगी, तो वीडियोज़ ज़रूर देख लेना। तो रखो यहाँ पे, तो E क्या है, E है प्रकाश का, प्रकाश का आवेश,
सॉरी इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की पावर 19 कूलम्ब। क्या होता है? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब, और कूलम्ब को सी से बताते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 20 लगा दो बस, केवल 20 वोल्ट गुणा करो इसकी, तो ये आ गया 3.2 और 10 की पावर, ये 10 घात ही है, 10 की पावर 1 घात है, इसे अंदर ले जाओ तो माइनस के 18 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका जूल में, जूल में, तो जूल में पूछा था इन्होंने, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और बताओ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल, ये होता है। तो यहाँ पर इसे भाग कर दो, 10 की पावर माइनस के 18 बटे 1.6 10 की पावर माइनस के 19, ये रख दिया हमने, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर सबको? इसे भाग करो, दशमलव से दशमलव कट गया, 16 दूनी 32, तो 2 × 10 की पावर 18 घात, और ऊपर 18 घात, नीचे 19 घात, 1 घात नीचे की बच जाएगी, नीचे की बचेगी तो ऊपर आ जाएगी, तो 10 की कार 1 आ जाएगी, तो 20 आ गया, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी ऊर्जा कितनी चाहिए? जितना निरोधी विभव था उतना ही इसे इसकी ऊर्जा होगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उतनी ही ऊर्जा होगी जितना निरोधी विभव था। तो देख लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 20 ही वोल्ट वहां पर निरोधी विभव था, और इसलिए कहते भी हैं कि जो जितनी निरोधी विभव होता उतनी ही लगभग ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये निकला है हमारा। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे होंगे, और ये क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स चल रही है, और मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये चैप्टर जो चल रहा है इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और साथ में जो और चैप्टर्स इसमें आएंगे, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर हो, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स हो, चाहे वो न्यूक्लियस के बारे में हो, चाहे वो बुलियन अलजेब्रा और आपके लॉजिक गेट्स हों, तो सभी से मिलाकर क्वेश्चन लगभग काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स चल रही है हमारी, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें कोई भी लेक्चर को, क्योंकि लेक्चर आपको जो है आपके एग्जाम को आपके लिए तैयार करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आइंस्टाइन की समीकरण पढ़ेंगे, और आइंस्टाइन की समीकरण पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें जरूर ज्वाइन करें। टिल देन गुड बाय, एंड वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।